हेलो एवरीवन एंड एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो वी आर बैक अगेन गाइस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे स्टैटिक एग्रीकल्चर के बेसिकली uh, मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक मैगजीन जो आती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर उसमें से ये एमसीक्यूज अभी हमने डिजाइन किए हैं ठीक है पांच एमसीक्यूज हम कर रहे हैं हर लेक्चर के अंदर पांच छह एम तो पहले दो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे एंड आई बी पी एस एफ ओ के बच्चे जो मेन्स देने जाएंगे इस बार डर लग रहा होगा पर डरना नहीं है बिल्कुल भी जोश के साथ आगे बढ़ना एकदम और जितना हो सके उतना कंटेंट मैं भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और खुद से भी आप जोर लगाएं ठीक है वीडियोज को शॉर्ट रखेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं अभी भी अभी तक जिसने ये 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स नहीं लिया है ना वो इसको जरूर ले लें स्पेशली बार बार बोल रहा हूँ बहुत उनको हेल्पफुल रहेगा बहुत मददगार रहेगा तो इसको जरूर एक्सप्लोर करें चलिए जी पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे फटाफट से तो पहला क्वेश्चन है लीफ कलर चार्ट के ऊपर लीफ कलर चार्ट वॉज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड ए कहा पर पहली बार ये डेवलप हुआ था यहाँ पर आपको कंट्रीज गिवन है ऑप्शन ए इंडोनेशिया है बी में यूएस है सी जापान डी चाइना एंड ई नन ऑफ दी अब लीफ कलर चार्ट पहली बार कौन सी कंट्री के अंदर डेवलप हुआ था सो so यहां पर आपका जो सही आंसर होगा गाइस दैट विल बी ऑप्शन सी वो सही जवाब होगा लीफ कलर चार्ट को जापान में डेवलप किया गया था लीव कलर चार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं लीव कलर चार्ट को तो पहला एलसीसी या लीफ कलर चार्ट जपान के अंदर डेवलप हुआ था एंड इसके अलग अलग वर्जन डेवलप हुए हैं एक सिक्स पैनल एलसी वर्जन आता था पहले उसको फिर इम्प्रूव किया उसको इंप्रूव करने के लिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काफी काम किया छे के बाद पांच आया पांच के बाद चार आ गया ठीक है जो आई आर आई ने रिसेंटली एक चार पैनल वाला भी आई आर जो आपका लीफ कलर चार्ट है वो डेवलप किया है ओके नाउ इसके अंदर क्या होता है जो फोर वाला है ना इसमें चार ग्रीन कलर होंगे अभी मैं आपको दिखा दिखाऊंगा दिखा। अभी की लीफ कलर चार्ट दिखता कैसा है चार ग्रीन कलर होंगे जैसे अगर आप ये देखो ना ये ये जो है ये छे वाला है ये छे वाला है ये आपको दिख रहे हैं ग्रीन के अलग अलग शेड्स ठीक है थीके? चार वाले में ऐसा ऐसे ही क्या होगा चार वाले में सिर्फ चार होंगे है ना पांच वाले में पांच होंगे ओके और जो नंबरिंग है ना चार वाले की वो दो से शुरू होती है टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से रहता है ओके एलसीजी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पर भी ये इसका मेन इस्तेमाल होता है कि ये देखने के लिए कि क्रॉप के अंदर सफिशियंट नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं वो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हमको कैसे पता चलती है क्योंकि जब हम ग्रीन कलर देखते हैं ना देखो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जब हम लीव के कलर्स की बात करते हैं अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो जो ग्रीन कलर है ना वो येल्लोइ होना शुरू हो जाता है लीव्स का तो इसी वजह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए या नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए ये लीव कलर चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है राइस में मेज में वीट में शुगर केन पोटैटो कॉटन कसावा वेजिटेबल्स इन सब में इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है ठीक है इजी टू यूज होता है और एक्सपेंसिव होता है आप देख रहे हो सिंपल सी एक स्ट्रिप है तो कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता और कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू यूज भी नहीं है कलर के अकॉर्डिंगली आप जज करते हो कि आपका जो लीफ है वो किस पैरामीटर के अंदर आ रहा है एडवांटेजेस एलसीसी के क्या है सबसे पहले तो वही हो गया कि कॉस्ट इफेक्टिव है सस्ता है ठीक है और इजी टू यूज भी है तो बहुत ज्यादा कोई इसके अंदर ये नहीं चाहिए आपको कि फार्मर के पास बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए या वैसा कुछ इससे क्या होता है आपको नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का भी पता चलता है साथ ही साथ आपको एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन से भी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे आप देख लोगे कि हाँ यार नाइट्रोजन नाइट्रोजन है है तो आपको अननेसेसरीली और ज्यादा ज्यादा जो कंटेंट उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है और लार्ज एरिया को भी इजीली मैनेज कर सकते हो आप जस्ट कंपेयर करके स्ट्रिप से ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं सेकंड क्वेश्चन है सॉइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट मीटर ज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सॉइल प्लांट ये किस पर नाइट्रोजन कि को मेजर करता है बी क्लोरोफिल सी सोइल मॉइस्चर डी एयर मॉइस्चर इन अन्य अंदर इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों राइट आंसर ओवर here इज ऑप्शन बी क्लोरोफिल तो soil प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट मीटर जो होता है ये प्लांट के क्लोरोफिल को बेसिकली मेजर करता है। All right. so, device होता है कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई मशीन नहीं होती हाथ में आप पकड़ सकते हो ओके okay? और काफी क्विकली आप इसको यूज कर सकते हो एक्यूरेट इसका जो है जजमेंट रहता है एंड कोई इसमें डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगा आपके क्रॉप का लीफ का क्लोरोफिल आपको पता चल जाएगा इंस्टेंटली ये मेजर करके आपको बताएगा ताकि अगर आपको लगता है कि क्लोरोफिल आपके कम है तो आप डेफिनेटली स्टेप्स लेकर के उसको काम कर सकते हो और अगर नेसेसरी क्लोरोफिल अमाउंट है तो डेफिनेटली आपको ओवर फर्टिलाइजर यूज से भी ये प्रोटेक्ट कर देगा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच अमंगज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्राइकोडर्मा एस पी पी ट्राइकोडर्मा बेसिकली इट्स यूज्ड uh, इन बायो ऑर्गेनिज्म का ट्राइकोडर्मा एसपीपी एक बायो ऑर्गेनिज्म है तो ऑप्शन ए कहता है कि ये सॉइल हेल्थ में पॉजिटिव इंपैक्ट है बायो फर्टिलाइजर तरह यूज करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है बायो रेमिडिएशन है ऑल ऑफ द अबव ठीक है तो एक तरह से हिंट मैं आपको बायो फर्टिलाइजर की तो ऑलरेडी दे ही चुका हूं यहां पर आंसर आपका जो होगा दैट विल बी ऑप्शन

बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्रीकल्चर क्योंकि सॉइल हेल्थ बायो फर्टिलाइजर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बायो रेमेडिएशन क्रॉप ये इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है ठीक है और इसको यूज़ करके क्योंकि डेफिनेटली आप इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो सॉइल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हो वेरियस इसके यूजेज हैं तो इसी वजह से ये आपके प्लांट को या आपके क्रॉप को या आपके सॉइल को हार्मफुल केमिकल्स से भी डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा ओके okay. उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होते हैं ये काफी फास्ट स्पीड से जो रूट होता है प्लांट रूट होता है उसको कॉलोनाइज करते हैं फास्ट ग्रोइंग है तो इफेक्ट काफी क्विकली आ जाता है और इनका जो ये रूट कॉलोनाइजेशन होता है ना इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि ये रूट ग्रोथ और लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है प्लांट के ड्राई वे इंक्रीज करता है शूट लेंथ को इंक्रीज करता है लीफ एरिया को इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करता है और डिजीज मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा तो मल्टीपल यूजेज इसके आपको देखने को मिलते हैं ओके okay, उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा कॉलोनाइजेशन होता है रूट्स के अंदर उसका एक और फायदा होता है क्योंकि ये ना सॉइल को जो मिनरल्स है ना उनके इनसॉल्युबलाइजेशन में हेल्प करेगा जिससे प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा जैसे फास्फेट आयरन मैंगनीज कॉपर जिंक जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ये हेल्प करेगा इनसोलिबलाइजेशन में एंड साथ ही साथ सॉइल की जो नाइट्रोजन यूज करने की एफिशेंसी है ना उसको भी ये इम्प्रूव करेगा फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है द एप्लीकेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैन इंप्रूव सीड जर्मिनेशन इंक्रीज प्लांट साइज लीफ एरिया एंड वेट ऑफ प्लांट इनमें से क्या अप्लाई करने से आपकी सीड जर्मिनेशन अच्छी होगी प्लांट का साइज इंप्रूव होगा लीफ एरिया बढ़ेगा और प्लांट का वेट भी बढ़ेगा तो ये आपके ऑप्शंस हैं ट्राइकोडर्मा हेरजेनियम ट्राइकोडर्मा रेसी ट्राइकोडर्माइकोडर्माट अब ये क्वेश्चन वैसा सही है जैसा पिछला क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन में मैंने ओवरऑल ट्राइकोडर्मा पूरे का पूरा जो स्पीशीज है उसको कवर कर दिया था अब इसके अंदर फर्दर जो सब स्पीशीज आ जाती है वो इसके अंदर आ गई ठीक है तो आंसर इसका क्या होने वाला है जी एप्लीकेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैन इंप्रूव तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा हो जाएगा. ट्राइकोडर्मा हेनियम को स्पेसिफिकली यूज किया जाता है सीड जर्मिनेशन, प्लांट ठीक है जी तो इसको अगर थोड़ा सा प्लांट साइज लीफ एरिया एंड वेट और जो आपके ट्राइकोडर्मा रेसी और ट्राइकोडर्मा हेजेनियम का कॉम्बिनेशन है ये आपको प्रोटिनेस मैनेस लेनेस करने में करता है, जो को कंट्रोल करने में काफी होता है जो करता है, जिसमें दो तरह के एंटीबायोटिक से प्रोड्यूस करता है एक है आपका ग्लायोवेरिन और एक है ग्लायोटॉक्सिन ये भी पैरासाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ठीक है ग्लायोटॉक्सिन को आप यूज कर सकते हो अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक राइजोक्टोनिया पाइथियम लिथियम और ग्लायोब्रिन को आप यूज कर सकते हो पाइथियम एसपीपी के अगेंस्ट ठीक है तो हर ट्राइकोडर्मा जो फर्दर सब स्पीशीज है उनके अलग-अलग फायदे हैं अलग-अलग यूज़ेज़ हैं ओके okay. ऑलराइट right. उसके अलावा ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है ये सोइल बोर्न पैथोजंस को भी कंट्रोल करते हैं जैसे आपके राइजोक्टोनिया सोलेनी हो गया आस्क्ले... टेरोम हो गया पाइथियम हो गया ओके फाइटोफथोरा हो गया मैक्रोफोमिना हो गया एस्पेरिगिलस हो गया ठीक है फिजेरियम हो गया जो फंगल इन्फेक्शन हैं तो ये उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइको पैरासिटिज्म क्वालिटीज एंटीबायोटिक्स जो ये रिलीज करते हैं ठीक है उसके बाद आपके जो ट्राइकोडर्मा वेरेट और ट्राइकोडर्मा हेजेनियम है ये इनका काफी एंटागनिस्टिक इफेक्ट होता है बॉट्राइटिस रॉट के अगेंस्ट जो फ्रूट्स में प्रॉब्लम देखी जाती है और स्क्लेरोटियम रोल्सी को भी कंट्रोल करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ट्राइकोडर्मा हेमटम ये एक इनहिबिटरी सा वॉलीटाइल कंपाउंड रिलीज करते हैं जो ग्रे मोल्ड को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है ओके okay, और ट्राइकोडर्मा की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो इसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है साथ ही साथ जो आपके नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हैं जिस ऑर्गेनिज्म को आप टारगेट नहीं करना चाहते उसको भी ये इंपैक्ट नहीं करेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन देखो इसमें से बन सकता है वो पूछ सकता है कि यार ट्राइकोड जो बॉट्राइटिस रॉट ऑफ फ्रूट को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सी ट्राइकोडर्मा को आप स्पेसिफिकली यूज करोगे ऑप्शन में वो आपको दे देगा ठीक है हर्जेनियम दे देगा हेमेटम दे देगा वेरिट दे देगा दे 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 इस तरीके से डेफिनेटली वो पूछ सकता है सिमिलरली ग्रे मोल्ड पूछ लेगा कि ग्रे मोल्ड के लिए कौन सा तो डेफिनेटली आप कहोगे कि की हेमेटम इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी ड्रिग्या वॉल्यूबिलिस ये बेसिकली तेलंगाना के अंदर ना एक आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं ना वो इसको कंज्यूम करते हैं एज अ वेजिटेबल ठीक है इसको क्या बोला जाता है बेसिकली जो इसका कॉमन नेम है उसके अलावा स्निज वॉट ग्रीन वैक्स फ्लावर हेमा जीवांति ऑल ऑफ दी दी अबव अबव और नन ऑफ ठीक है दॉल्यूबिलियस का अगेन यहां पर आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव ये तीनों इसके कॉमन नेम्स हैं जो यूज किए जाते हैं ड्रेगिया वॉल्यूबिलियस की काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैगजीन के अंदर था ओके okay, तो कॉमनली स्निज वोट ग्रीन वैक्स फ्लावर या हेमा जीवंती इसको बोला जाता है और एपोकाइनेस uh, फैमिली को ये बेसिकली बिलोंग करती है ठीक है और सदरन एशिया के अंदर सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में ये मिलती है जहां पर हाई और लो रेनफॉल हो दोनों एरियाज में आपको मिल जाएगी ये जहां पर अच्छा ड्रेन सॉयल हो वहां पर मिलेगा और इंडिया का बेसिकली ये नेटिव है मेडिसिनली काफी इसको अच्छा कंसीडर किया जाता है क्योंकि जो इसके फ्लावर और फ्रूट्स है ना वो काफी अच्छे होते हैं काफी हेल्दी होते हैं एंड ट्राइबल एरियाज में इसको काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है इन्फ्लेमेशन बॉयल, एप ओके डिया पाइल्स एस्थमा ट्यूमर ल्यूकोडर्मा पैरालिसिस, पैरिसम टॉनसिल्स नेक पेन वेरियस डिजीजे को ये ट्रीट करता है और एंटी हेलमिनेटिक भी है ये उसके बाद जो इसके लीफ और स्टेम एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो डायबिटीज के अंदर काफी ज्यादा यूज उसको किया जाता है ओके okay, कफ को ट्रीट करने के लिए फीवर कोल्ड जो रूट होती है उसको अगर सांप काट जाए उसके लिए यूज किया जाता है ठीक है रूट्स को एज अ क्योर दिया जाता है वुमेन को जो चाइल्ड बर्थ के बाद सर दर्द होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए ठीक है उसके अलावा पाइल्स को कंट्रोल करने के लिए ओके और जो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है तो सिद्धा और आयुर्वेदा में इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है हेपाटॉक्सीटी डायबिटीज वगैरह जैसी ट्रीटमेंट्स के लिए ओके तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे चलिए विद दिस वी आर डन विद द फाइव क्वेश्चन गाइस एंड इसी तरीके से पांच पांच क्वेश्चन एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज में हम करते रहेंगे अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय